So basically, he does not like America, American people and American things. और मैंने ये टी शर्ट पहन ली है राणा को इम्प्रेस करने के लिए, और मुझे लगा है कि राणा मेरे लिए लाए हैं. इस तरह का एक ट्रैक आया है और मैं ये पहन के आ जाती हूँ, और राणा को लगता है कि ओ माई गॉड, अगर डैडी जी ने ये देख लिया तो ये बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हो जाएगा घर में, बहुत बड़ा स्टेप्पा हो जाएगा. तो वो छुपा लेते हैं, और कैसे वो छुपा के और आदि सामने आ जाता है, और हम दोनों रिएक्ट करते हैं कि क्योंकि मैंने आदि की टी शर्ट पहनी हुई है, मुझे लगा है राणा लेकर आए, तो थोड़ा कन्फ्यूजन है. और थोड़ा एक्चुअली लोगों को ये था कि हम दिल दियाँ गला में बहुत ज़्यादा रुला रहे हैं, बहुत इमोशनल कर रहे हैं, तो ये थोड़ा बहुत लिटिल स्पाइस है जो मेरी तरफ से आ रहा है, और मे भी अच्छा लगेगा लोगों को. और मैम बात की जाए, अब समर सीजन आ रहा है, और समर सीजन को लेकर के आप डिहाइड्रेट कैसे रखते हैं, आप लोग को हाइड्रेट कैसे रखते हैं? डिहाइड्रेशन डेफिनेटली समर्स को कूल आउट करने के लिए यू कैन हैव नींबू पानी, यू कैन हैव चार्ज एंड हैव लॉट्स ऑफ वाटर. सनस्क्रीन लगा के रखें अपनी स्किन पे ताकि प्रोटेक्टेड रहे आपकी स्किन, और सबसे अच्छी है चीज़ है स्टे हैप्पी, यू विल बी हाइड्रेटेड ऑल योर लाइफ. ओके मैम, और बात की जाए दिल दिया गला में, आपको लोग बहुत ज़्यादा बेहद पसंद करते हैं और पसंद कर रहे हैं, कमेंट्स भी ऐसे आ रहे हैं, तो मैम अपने व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहूँगी कि जिस तरह से प्यार आपने मुझे दिया बाती में दिया था एज अ मीनाक्षी कैरेक्टर, आप उसी तरीके से दिल दिया गला में भी मुझे प्यार दें, निम्रत को पसंद करें. ये बहुत ही अलग तरीके का कैरेक्टर है. ये डेली सोप में जो नेगेटिव होता है, जो कि दूर से दिखती है नेगेटिव, वो वैसा नहीं है कि मैं आईब्रोज रेज कर रही हूँ या फिर ऐसे देख रही हूँ या इस तरह का कुछ, इस तरह की चीज़ नहीं है. बहुत ही सटल वे में एक पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया है एक एंटेगनिस्ट का भी, और ब्यूटिफुली आर्ट किया है मेरे कैरेक्टर को. और आई थिंक यही एक रीज़न था मुझे ये शो लेने के लिए, बिकॉज दिल दियां गला वॉज बहुत बहुत प्यारी स्टोरी है. एक ऐसे घर की स्टोरी है जहाँ पे रिश्तों में प्यार तो है लेकिन बातचीत नहीं है. तो बहुत बार हम बातचीत नहीं कर पाते, इसलिए प्यार ऐसा लगता है कि फेड हो गया है, लेकिन अगर हम बातचीत करेंगे तो प्यार दोबारा से ब्लॉसम हो सकता है. तो ये स्टोरी ये है. और अगर आपके लाइफ में भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं रिलेशनशिप्स को लेकर जहाँ पे आप बात नहीं करते हैं, तो प्लीज़ बात करके देखिए, हर चीज़ सॉल्व हो सकती है. फेवरेट सब्जी बनेगी जो कि मेरी फेवरेट है नहीं, लेकिन उसी वक्त तो मेरी नज़र पड़ती है निमृत पे, जो कि हमेशा मुझे छेड़ती रहती है सब्जी को लेके, मूली की सब्जी, मूली की सब्जी, और बनाऊँ आज बना दूँ मूली की सब्जी आज बना दूँ, तो फिर मैं झगड़ा हुआ पड़ा मेरा निमृत से, तो उसको देख के मैं चढ़ा के उसको बोलता हूँ कि हाँ आज मैं ज़रूर खाऊंगा मूली की सब्ज़ी क्योंकि मेरी माँ बना रही. बाकी ये सीन जो है मेरे बड़े भाई और मेरे डैडी के बीच में है, मैं तो ऐसे घुसा हुआ हूँ जैसे हमेशा ये घुस जाता है. सर आज कहाँ घुसे हो आप? ख्यालों में घुसे हो? कौन से ख्यालों में घुसे हो आप? अभी कड़ी और छोले में घुसा हूँ. इनको स्यापा ये पड़ा है कि अभी कड़ी जो है वो छोलों से पहले बननी चाहिए, क्योंकि छोले मान को पसंद है. मान जो हमारे संदीप बसवाना साहब कर रहे हैं, बहुत कमाल के एक्टर हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरी हमेशा खिंचाई करते रहते हैं, दूर से बैठे इस टाइम मुझे देख रहे हैं और देख रहे हैं क्या बोलूँगा उसके बारे में, लेकिन मैं उनके बारे में कुछ खास बोलूँगा नहीं क्योंकि वो बहुत मारते हैं मेरे को शॉर्ट में भी और बिन शॉर्ट के अलावा भी. देख रहे हो ऐसे प्रटेंड कर सुन नहीं रहे. एनी वेज तो मान जी और डीपी सर के बीच में सीन है, बहुत प्यारा क्यूट सा सीन है जी. ये एक्चुअली बेसिकली जिद का खेल है, जिद चूहे बिल्ली का खेल है, जिद ईगो, ईगो क्लैश, वही फिल्माया जा रहा है अभी. ईगो सरदार जी की तो नाक पे रहती है हमेशा, उधर शॉट चलता है. मिलते हैं एक ब्रेक के बाद.